अपन देखते हैं एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेंट बीम्स, सॉरी डिटरमिनेंट ट्रस। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि मैं आपको दो मेथड आपसे डिस्कस करूंगा, कौन कौन सा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपके पास मेथड ऑफ जॉइंट्स, दूसरा है आपके पास मेथड ऑफ सेक्शंस। ऐसा नहीं है सिर्फ यही दो मेथड्स हैं, और भी होते हैं मेथड, जैसे कि आपके पास ग्राफिकल मेथड भी होते हैं, आपके पास बार चेन मेथड भी होते हैं, लेकिन ये वाले मेथड उतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं। मेनली जो मेथड जो यूज़ करते हैं हम कौन से होते हैं, हमारे पास मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन। तो इसमें सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कौन सा, मेथड ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, मेथड ऑफ जॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देख लेते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स में आपको स्टार्ट कैसे करना है। अगर तो मैं प्रोसीजर की बात करूँगा मैं कि आपको ये मेथड कैसे आपको करना है, तो सबसे पहले आप चेक कर लेना, चेक द इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, उसका आप देख लेना कि इनडिटर्मिनेसी कितना है, एंड कैलकुलेट द सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो जो भी सपोर्ट रिएक्शंस रहेगा उसको आपको कैलकुलेट कर लेना, किसके हेल्प से, यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस। क्या क्या होती है आपके पास, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड समेशन एम जेड इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मैं सपोर्ट रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रस्ट के मेंबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सपोर्ट रिएक्शंस की बात करूँ। तो सपोर्ट रिएक्शंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो स्ट्रक्चर आपके पास कैसा भी हो, अगर आपको सिर्फ सपोर्ट रिएक्शंस देखना है तो आप हमारे पास जो नॉर्मल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होते थे, कौन कौन से होते थे, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, एंड समेशन एम जेड इक्वल्स टू जीरो। उससे आप जो भी आपके पास अननोन रिएक्शंस होंगे, सपोर्ट रिएक्शंस, उसको आप फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर जो मैं बताया वो मैं किसके बारे में बताया था, जॉइंट्स के बारे में बताया था। ठीक है, ट्रस के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होते हैं, सिर्फ दो, दैट इज समेशन एफ एक्स एंड समेशन एफ आई। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, ये किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, सपोर्ट रिएक्शन, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। यहां पे आप लिख लेना, कैलकुलेट द एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शंस यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें आपको बात करनी है सेलेक्ट द जॉइंट विच डज नॉट हैव more than two unknown forces, more than two unknown forces, ठीक है, and draw the FBD free body diagram of that joint. While considering the unknown forces as tensile, ठीक है, while considering the unknown forces as tensile, बहुत ही ज़्यादा important point है ये वाला। इसमें आपको क्या बताया मैंने, आपको एक joint को आपको क्या करना है, आपको एक joint को select करना है, और वो joint का आपको क्या बनाना है, उस joint का आपको free body diagram बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर आप पूछोगे कि सर कौन से टाइप के, सबसे पहले हम कौन से जॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, तो आपको वो वाला जॉइंट कंसीडर करना है विच डज नॉट हैव मोर देन टू अननोन फोर्सेस। ठीक है, उसमें दो से ज़्यादा अननोन फोर्सेस वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वैसे वाले जॉइंट को आप सबसे पहले क्या करोगे, आप उसको सेलेक्ट करोगे, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, और जो भी अननोन फोर्सेस जो है, ठीक है, उस जॉइंट से जितने मेंबर आपके कनेक्ट हो रहे हैं, वो सारे मेंबर्स की जो आप अननोन फोर्सेस बनाओगे, उसको आपको कैसा लेना है, आपको उसको आपको रखना है टेंसाइल। ठीक है, ऑफ दैट जॉइंट वाइल कंसिडरिंग द अननोन फोर्सेस एज टेंसाइल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्सेस एट टेंसाइल। तो अगर मैं बात करूँगा साइन की, तो आप साइन में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टेंसाइल वाली जो फोर्सेस रहेगी उसको आप क्या ले लेना, पॉजिटिव। ठीक है, और जो आपके पास कंप्रेशन वाली जो फोर्सेस रहेंगी उसको आप क्या ले लेना, आप नेगेटिव। ठीक है, तो अभी तो बस सुनते जाइए, अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए कि मैं किसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ। समझ में कब आएगा, मैं शुरू से बता दूँ, जब हम क्या देखेंगे उसका एक एग्जांपल, या फिर हम देखेंगे उसका एक
क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो टेंसाइल रहेगा, जो टेंशन में जो फोर्सेस रहेगी उसको आप क्या ले लेना, पॉजिटिव, और जो कंप्रेशन में जो रहेगी उसको आप क्या ले लेना, नेगेटिव। अननोन फोर्सेस जिसको आप रख रहे हो उसको आप हमेशा अज्यूम जो करोगे, अज्यूम हमेशा किस में रखना, उसको पॉजिटिव में ही अज्यूम करना हमेशा। उसको कैसे अज्यूम करना, जो जॉइंट्स है, जो भी अननोन फोर्सेस के बारे में आप देखोगे उसको हमेशा आप कैसे रखना, टेंशन में आप उसको रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या करना है, आपको बनाना है इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ दैट जॉइंट, या फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस ऑफ जॉइंट आपको पुट करना है। दैट इज कौन कौन सी होती है इक्विलिब्रियम इक्वेशन जॉइंट के लिए, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। ये आपको पुट करके आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द अननोन फोर्सेस, डिटरमाइन द अननोन फोर्सेस, ठीक है। और फिर क्या करना है आपको, प्रोसीड टू द फर्दर जॉइंट्स, प्रोसीड टू फर्दर जॉइंट्स। ऐसे ही क्या करना है आपको, सारे जॉइंट्स के लिए आपको क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और आपको क्या करना है, हर एक जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के आपको क्या करना है, अननोन फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। हो सकता है आपको बिल्कुल समझ नहीं आया हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, चार स्टेप को आप नोट तो कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन क्या देखते हैं, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस स्टेप्स। क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एनालाइज द गिवन ट्रस, एनालाइज द गिवन ट्रस। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा लूंगा मैं, एकदम आसान सा। एनालाइज द गिवन ट्रस एंड डिटरमाइन ऑल द मेंबर फोर्सेस, एंड डिटरमाइन द ऑल द मेंबर फोर्सेस, ठीक है, मेंबर फोर्सेस है। चलिए तो यहाँ पर मैं एक ट्रस बना लेता हूँ, एकदम मैंने बताया आपको, एकदम आसान सा एक ट्रस बनाता हूँ। जैसे कि ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक ट्रस हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल ट्रस बनाया मैंने, उसके यहाँ पर क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है पी का, क्लियर है, पी का एक यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है। नेमिंग कर देता हूँ मैं, सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो यहाँ पर मैंने नेमिंग भी कर लिया। अब आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको ट्रस को आपको एनालाइज करना है, एकदम आसान सा है, आपको दो मिनट में बन जाना चाहिए। और आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द ऑल द मेंबर फोर्सेस, ठीक है। चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे, मैं स्टेप नंबर वन में क्या बताया मैं आपको, चेक का आपको क्या करना है, डीएस, और कैलकुलेट क्या करना है आपको, सपोर्ट रिएक्शंस। तो अगर मैं सपोर्ट रिएक्शंस की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने सपोर्ट रिएक्शंस आ जाएंगे, ये आपके पास हिंज है, तो यहाँ पर दो सपोर्ट रिएक्शंस आ जाएंगे, कौन कौन से, और यहाँ पर आपके पास रोलर है, तो यहाँ पर एक ही आपके पास क्या आएगा, सपोर्ट रिएक्शन आपके पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपके पास रिएक्शन आ गया और वहाँ पर एक ही रिएक्शन आया। चलिए इसको मैं बोलते रहूँ, इसकी लेंथ L है, दिस इज ऑल्सो L, और जो हाइट है वो भी कैसी है आपके पास, वो भी आपके पास कितनी है, L, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, रिएक्शन, स्टेप नंबर वन करूँगा मैं। स्टेप नंबर वन में क्या किया मैंने, कैलकुलेट में सपोर्ट रिएक्शंस करना है। तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो अगर मैं पुट किया, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है हमारे पास, सिर्फ एक ही है, कौन सी, एच ए। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एच ए की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो। सिमिलरली समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो करूँगा, तो अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी है, वी ए और वी सी, डाउनवर्ड फोर्सेस कितनी है आपके पास, पी। तो ये कितना हो जाएगा, वी ए प्लस वी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, पी। कोई भी एक पॉइंट पे आप क्या ले लीजिए, मोमेंट ले लीजिए, मैंने ए पॉइंट पे ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस वी सी इंटू टू एल प्लस P इंटू एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो। तो यहाँ से आप VC निकाल लीजिए, तो VC कितना आ जाएगा आपके पास, P बाय टू। सिमिलरली VA भी कितना आ जाएगा आपके पास, P बाय टू। तो आप देखिए यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, तीनों आपने सपोर्ट रिएक्शंस को आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, आपने तीनों यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस को फाइंड आउट कर लिया, VA, VC और HA को भी आपने यहाँ पर निकाल लिया। कितनी कितनी वैल्यू आई है इसकी, इसकी आपके पास वैल्यू आ गई है P बाय टू, एंड दिस इज ऑल्सो पी बाय टू,
ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हो कि एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल है, सेंटर में पॉइंट लोड है, तो ये इक्वली क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा रिएक्शंस को। तो इतना फाइंड आउट करने की नीड नहीं थी, ठीक है। बट हमारे पास सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम कैसे लेते हैं हमेशा उसको बहुत ही आसानी से हम उसको लेते हैं, बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर वन हो गया आपके पास, अब आते हैं स्टेप नंबर टू में। स्टेप नंबर टू क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर टू आपको बोला है कि आपको क्या लेना है, सेलेक्ट द जॉइंट विच डज नॉट हैव मोर देन टू अननोन फोर्सेस। आपको एक ऐसा जॉइंट कंसिडर करना है कि आपको मोर देन टू अननोन फोर्सेस नहीं होने चाहिए, उस जॉइंट का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, और जो भी आप अननोन फोर्सेस को जो भी आप शो करोगे वो सबको कैसे शो करना है, आपको टेंशन में शो करना है। क्यों? क्योंकि टेंशन को मैंने कैसा लिया है, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्टेप नंबर टू आते हैं अपन स्टेप नंबर टू में। ठीक है, हमें क्या करना है, एक जॉइंट को कंसिडर करना है। तो चलिए बताइए, मैं डी पॉइंट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्या, डी वाले जॉइंट को कंसिडर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कंसिडर कर सकता हूँ? क्योंकि डी में कितने टाइप के फोर्सेस आ रहे हैं, सबसे पहला तो पी, सेकेंड आपके पास ए डी मेंबर में जो फोर्सेस आएगा, ठीक है, थर्ड आपके पास बी डी मेंबर में जो फोर्सेस आएगा, और फोर्थ आपके पास सी डी मेंबर में फोर्सेस आएगा। तो टोटल कितनी फोर्सेस आ रही है डी जॉइंट में, चार, जिसमें से नोन कौन सी, आपके पास सिर्फ एक ही फोर्स नोन है, कौन सी है, वो वर्टिकल वाली पी, बाकी तीन क्या हो जाएगी आपके पास, अननोन फोर्सेस हो जाएंगी। तो हमारे पास कंडीशन क्या बोलते हैं आपके पास, विच डज नॉट हैव मोर देन टू अननोन फोर्सेस, ठीक है, दो से अधिक नहीं होने चाहिए, बट यहां पर कितने आ रहे हैं, टू आपके पास, यहां पर कितने आ रहे हैं, थ्री आपके पास अननोन फोर्सेस आ रहे हैं। तो हम जॉइंट डी को कंसिडर नहीं करेंगे, जॉइंट ए को कंसिडर कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, वी ए आ रहा है, जिसकी वैल्यू मेरे को पता है कितनी है, पी बाय टू, ठीक है। एच ए आ रहा है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, जीरो, हमने निकाल लिया। ए से ए डी मेंबर जुड़ रहा है, और ए से ए बी फोर्स भी एक्ट करेगा। तो टोटल अननोन, टोटल फोर्सेस कितनी हो रही है, चार, जिसमें से दो आपके पास नोन है, अननोन कितने हो जाएंगे आपके पास, सिर्फ और सिर्फ दो। तो मैं जॉइंट ए को मैं कंसिडर कर सकता हूँ क्या, सबसे पहले हाँ कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास मोर देन टू अननोन फोर्सेस नहीं है, हमारे पास सिर्फ कितनी अननोन फोर्सेस हैं, दो ही अननोन फोर्सेस हैं। तो मैं किसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, जॉइंट ए को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट जॉइंट ए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जॉइंट ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये मैंने बनाया, कौन सा पॉइंट है मेरे पास, जॉइंट ए में मैंने यहाँ पर बना लिया। कौन कौन से यहाँ पर रिएक्शंस आ रहे हैं, फोर्सेस कौन कौन से आ रही है, एक आपके पास आ रही है वी ए, दैट इज पी बाय टू, एक हॉरिजॉन्टल आ रही थी, वो कितनी थी, जीरो था, तो मैं उसको पुट नहीं कर रहा हूँ। अब जो अननोन फोर्सेस है तो कौन कौन सी हो जाएगी, एक ए डी मेंबर है जुड़ रहा है, और दूसरा मेंबर कौन सा जुड़ रहा है, ए से बी, दोनों में जो अननोन फोर्सेस है उसको मैं कैसे शो करूंगा, वो दोनों को मैं शो करूंगा टेंशन में, ठीक है, उसको मैं कैसे शो करूंगा टेंशन में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एफ ऑफ ए डी एंड दिस इज वॉट, एफ ऑफ ए बी, क्लियर। तो ये दोनों अननोन फोर्सेस को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें आप इसको अज्यूम करना, हमेशा कैसे अज्यूम है आपके पास, टेंशन में आप इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेंथ भी L है और वर्टिकल लेंथ भी L है, तो दोनों के बीच का आपके पास जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। स्टेप नंबर थ्री, ठीक है, स्टेप नंबर थ्री में आते हैं, क्या करना है इसमें, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ जॉइंट हमें पुट करना है, कौन कौन सा, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, और हमें अननोन फोर्सेस को डिटरमाइन करना है, ठीक। तो यहां पर अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन पुट किया, तो सबसे पहले अगर मैं पुट किया समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, अगर मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा, या फिर चलिए समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो मैं पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहां पर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो पुट कर लिया, तो कौन कौन सी फोर्सेस दिखेगी, एक ये पी बाय टू वाली दिखेगी, अपवर्ड है, तो कैसा हो जाएगा ये, पॉजिटिव पी बाय टू, प्लस जो f ऑफ ए डी है इसको रिजॉल्व कर सकता हूँ मैं, 45 डिग्री में है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में, तो यहाँ से f ऑफ ए डी को मैंने रिजॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, f ऑफ ए डी साइन 45 एंड दिस इज f ऑफ ए डी
cos 45, ठीक है, एफ ऑफ ए डी को मैंने क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। तो अब हमारे पास वर्टिकल में एफ वाई डायरेक्शन में दो फोर्सेस हो गई, पी बाई टू और एफ ऑफ ए डी साइन 45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहां से आप मुझे एफ ऑफ ए डी बता दीजिए, तो एफ ऑफ ए डी की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा ये, माइनस पी बाय टू अपॉन कितना हो जाएगा ये, बाय रूट टू। क्लियर, साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए डी कितना हो जाएगा, माइनस पी अपॉन रूट टू। माइनस है तो अगर ये माइनस में आए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में है तो साइन कैसे बताया था, मतलब ये जो फोर्स है वो किस में, आपके पास कंप्रेशन में है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर एफ ऑफ ए डी निकाल लिया, कितना आया, माइनस पी अपॉन रूट टू, ये किस में आ गया, आपके पास कंप्रेशन में आपके पास आ गया। समझ में आया क्या? नेक्स्ट अपन देखते हैं किस में, एफ ऑफ समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। पुट करिए समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, वैल्यू बताइए मेरे को कितनी आ रही है आपके पास, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं अपन, जॉइंट ए था हमारे पास, उसमें p बाई टू ऑलरेडी एक्ट कर रहा था और यहाँ पर एक्ट क्या कर रहा था, f ऑफ ए बी। सिमिलरली यहाँ पर एक्ट कर रहा था f ऑफ ए डी, कितना था ये, 45 डिग्री पे। ठीक है, इस पर मैंने क्या लगाया, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो पुट किया, तो क्या क्या आ गया, p बाई टू प्लस f ऑफ ए डी का जो साइन वाला कॉम्पोनेंट है वो कितना हो जाएगा, f ऑफ ए डी साइन 45 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से आप f ऑफ ए डी निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस पी अपॉन रूट टू, दैट इज कंप्रेशन। माइनस है, नेगेटिव है, तो किस में आ जाएगा वो, कंप्रेशन में। सिमिलरली समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट करूंगा मैं, तो क्या क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ ए डी का हॉरिजॉन्टल वाला जो कॉम्पोनेंट है वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए डी कॉस 45 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ ए डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस पी बाई टू। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पी बाई टू कॉस 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एफ ऑफ ए डी कितना है आपके पास, माइनस पी बाय रूट टू। चेक कर लेते हैं एफ ऑफ ए डी की वैल्यू कितनी आई थी, ठीक है, तो कितना आया था, माइनस पी बाय रूट टू, और ये कितना आपके पास, 1/√2। तो एफ ऑफ ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, पी बाय टू, सॉरी इक्वल्स टू क्या है ये, जीरो। तो यहां से आप निकाल लीजिए एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पी बाय टू, दैट इज किस में आ रहा है, ये टेंशन में। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पी बाय टू। समझ में आया क्या, मैं क्या किया यहां पर, सबसे पहले मैंने पहले जॉइंट को कंसिडर किया, कौन से वाला जॉइंट है मेरे पास, ए, मैंने ए जॉइंट को कंसिडर किया और जो मेरे पास अननोन फोर्सेस थी वो दोनों अननोन फोर्सेस को मैं यहां पर कैलकुलेट कर लिया, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ द जॉइंट के थ्रू मैंने क्या किया यहां पर, दोनों मैंने यहां पर अननोन मैंने मेंबर्स को, सॉरी फोर्सेस को मैंने कैलकुलेट कर लिया। एफ ऑफ ए डी आपके पास नेगेटिव आया, तो नेगेटिव था तो मैंने उसको क्या लिखा, कंप्रेशन, और दूसरा एफ ऑफ ए बी आपके पास किस में है, पॉजिटिव, तो मतलब वो जो फोर्स है वो कैसी है, टेंशन में है। सिमिलरली मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वाला जॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, नेक्स्ट जॉइंट आपकी मर्जी, आप चाहो तो बी जॉइंट को कंसिडर कर लो, आप चाहो तो डी वाले जॉइंट को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन क्या लेते हैं, मैंने जॉइंट ए को कंसिडर किया तो मुझे ए डी और ए बी मिल गया, नेक्स्ट मैं कंसिडर कर लेता हूँ कौन सा, चलिए जॉइंट बी को कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, अब जॉइंट बी का आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बनाया जॉइंट, दिस इज बी। अब जो भी अननोन फोर्सेस है उसको मैं कैसे अज्यूम करूंगा, सबको मैं टेंसाइल में लूंगा। तो जैसे कि इसको मैंने ले लिया, दिस इज एफ ऑफ बी डी, टेंशन में ले लिया। सिमिलरली दिस इज एफ ऑफ बी सी, और यहाँ से जो फोर्स जा रही है वो कौन सी है, एफ ऑफ बी ए या फिर एफ ऑफ ए बी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे तो एफ ऑफ बी ए या फिर एफ ऑफ ए बी आपने निकाल चुका है, वो कितना आया था हमारे पास, पी बाय टू। ठीक है,
तो यहाँ से हमारे पास ये वाले मेंबर की फोर्सेस ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, वो पी बाई टू हमने अभी निकाला, एफ ऑफ ए बी कितना आया था, पी बाई टू टेंशन में आया था, पॉजिटिव लिए थे तो उसको मैंने कितना ले लिया, पी बाय टू। अगेन आप यहाँ पर लगाइए दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू अगर मैं जीरो पुट किया तो कितना हो जाएगा, माइनस पी बाय टू प्लस एफ ऑफ बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये जीरो। इसका मतलब एफ ऑफ बी सी अगर मैं बोलूँगा तो कितना हो जाएगा ये पी बाय टू, मतलब क्या हो गया ये टेंशन में मिल गया ये वाला भी, तो आपको एक और मेंबर का आपको यहाँ से मिल गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो बोला, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो बोला तो यहाँ पर y में सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सी, एफ ऑफ बी डी प्लस और कोई दूसरी फोर्स तो आ नहीं रही है y डायरेक्शन में, तो एफ ऑफ बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो यहाँ से मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला फोर्स है, इसको आप याद रखिएगा, इसके बारे में मैं बाद में मैं आपसे इस चीज़ के बारे में आपसे फिर से बात करूँगा, ठीक है, कि आपके पास जो एफ ऑफ जो बी डी है वो दोनों कोलिनियर फोर्स के बीच में जा रहा है और ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इस मेंबर की फोर्स कितनी आ गई जीरो, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आप अभी इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो एफ ऑफ बी डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास जीरो, तो और एफ ऑफ बी सी की वैल्यू कितनी आ गई पी बाय टू। अब और कौन सा बचा हमारे पास, चलिए नेक्स्ट मैं कौन सा ले लेता हूँ, जॉइंट सी को भी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारे पास एफ ऑफ सी डी की वैल्यू अभी तक नहीं मिली, ठीक है, एफ ऑफ ए डी मिल गया, ए बी भी मिल गया, बी सी और बी डी भी मिल गया, लेकिन कौन सा फोर्स बच गया, सी डी वाला फोर्स अभी भी बच गया। तो जॉइंट सी में बना लेता हूँ, ये है जॉइंट सी, कौन कौन सा है यहाँ पर फोर्स आएगा, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा एफ ऑफ बी सी आ जाएगा एक, यहाँ से आपके पास कौन सा आ जाएगा एफ ऑफ सी डी आपके पास आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास एक रिएक्शन आ रहा था कितने का, पी बाय टू का आपके पास क्या था, एक रिएक्शन भी था, दोनों के बीच की जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर सी पॉइंट पे हमने रिएक्शन वी सी हमने निकाल लिया था, कितना आया था पी बाय टू। अगेन चलिए समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो अगर मैं पुट किया तो क्या क्या आ जाएगा, पी बाय टू प्लस एफ ऑफ सी डी साइन 45 करूँगा मैं तो इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा जीरो, ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा जीरो। तो अगर मैं एफ ऑफ सी डी की बात करूँ तो एफ ऑफ सी डी कितना हो जाएगा माइनस पी बाय टू इंटू कितना हो जाएगा ये रूट टू, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये माइनस पी बाय रूट टू आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, मतलब ये क्या आ गया आपके पास, अगेन ये वाली फोर्स भी किस में आ गई, कंप्रेशन में आपको यहाँ से मिल गया। तो एफ ऑफ सी डी की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास माइनस पी बाय रूट टू, क्लियर। तो आप यहाँ से एक और चीज़ आपको यहाँ से मिल गई, एफ ऑफ बी सी तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, एफ ऑफ बी सी, और यहाँ से अगर आप एफ ऑफ सी डी आप चाहते तो एफ एक्स से भी आप निकाल सकते थे, बी सी माइनस बी सी माइनस एफ ऑफ सी डी कॉस 45 करके इक्वल्स टू जीरो पुट करते तो आपको वहाँ से भी आपको यहाँ से ये वाली चीज़ें मिल जाती, ठीक है। तो अगर मैं मेंबर की अगर मैं सबका फोर्सेस लिखूँ, तो मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो फोर्सेस की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी फोर्सेस हो गई, सबसे पहले ए से बी हो गया, ठीक है, बी से सी हो गया, ठीक, ए से डी हो गया और सी से डी हो गया, और लास्ट में टोटल पांच मेंबर थे आपके पास, लास्ट वाला मेंबर कौन सा आपके पास बी से डी, और इनकी अगर मैं फोर्सेस के बारे में बात करूँ सारे मेंबर की फोर्सेस के बारे में तो ए बी के आपके पास जो फोर्सेस है वो कितना आया था आपके पास पी बाय टू प्लस कितना आया था वो पी बाय टू। बी सी के बारे में बात करूँ तो बी सी कितना आया था आपके पास अगेन वो भी कितना आया पी बाय टू। ए डी के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो ए डी कितना आया था आपके पास माइनस पी बाय रूट टू, ए डी कितना है आपके पास माइनस पी बाय रूट टू। सी डी कितना है आपके पास माइनस पी बाय रूट टू, और बी डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास जीरो, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसका नेचर के बारे में बात करूँगा फोर्स की नेचर के बारे में तो ये कैसा आपके पास पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास टेंसाइल, अगेन ये भी पॉजिटिव है तो ये भी टेंसाइल, ये नेगेटिव है तो कंप्रेशन, ये नेगेटिव है तो कंप्रेशन, और ये आपके पास कितना है, ये आपके पास कितना हो गया जीरो ही हो गया है, समझ में आया। तो जितने आपके पास मेंबर्स हैं टोटल स्ट्रेस में कितने मेंबर्स थे आपके पास पांच मेंबर थे,
पांचों मेंबर का आपको क्या करना है, हर एक जॉइंट पकड़ के, ठीक है, हर एक जॉइंट को कंसिडर करके वहां पर क्या करना है, जॉइंट की इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के उस वाले मेंबर के आपको फोर्सेस निकाल लेनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के आप तो कर ही लोगे आराम से। तो हर एक जॉइंट को पहले ए, फिर बी को मैंने कंसिडर किया, जो अननोन फोर्सेस होती है उसको मैंने कैसे लिया, मैंने सबको पॉजिटिव माना, मतलब सबको कैसे माना, मैंने टेंसाइल दैट इज अवे फ्रॉम द जॉइंट माना, और वहां से मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के मैंने क्या किया, पांचों मेंबर की फोर्सेस को मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, और उसका मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, उसका नेचर कि वो टेंशन में आ रहा है कि कंप्रेशन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका बोलूं कि आप मुझे डायग्राम में बताइए, तो डायग्राम कुछ ऐसा था, यहां पर क्या आ रहा था, एक लोड आ रहा था, कितने का, पी का आपके पास क्या आ रहा था, एक एक्सटर्नल लोड आ रहा था, ये क्या आपके पास, दिस वॉज अ हिंज, दिस वॉज अ रोलर, ये था ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, क्लियर है। तो यहां पर हमने देखा, तो सबसे पहले आपने चेक किया था कि जो रिएक्शन आ रहे थे, रिएक्शन कितने आ रहे थे, दिस वॉज पी बाय टू एंड दिस वॉज अगेन पी बाय टू, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो आ नहीं रहा था। अब यहां पर अगर मैं बोलूंगा कि ए बी मेंबर पे जो फोर्स थी, ए बी मेंबर पे फोर्स कितनी आ रही थी मेरी, पी बाई टू की, और वो कैसे आ रही थी मेरे पास, टेंशन में आ रही थी। टेंशन क्या होता है, अवे फ्रॉम द जॉइंट, ये जॉइंट है, जॉइंट से मैंने क्या बनाया, अवे, ये भी मेरे पास जॉइंट है, पिन जॉइंटेड, इस जॉइंट से मैंने क्या बनाया, अवे, तो ये क्या हो गया मेरे पास, टेंशन में मेरे पास फोर्स आ गई कितने की, दिस वॉज पी बाय टू, आ रहे समझ में। सिमिलरली अगर मैं बी सी मेंबर की बात करूं, तो बी सी मेंबर पे, ये बी सी मेंबर पे आपके पास फोर्स कैसी है, आपके पास टेंशन, टेंशन मतलब क्या होता है, जॉइंट के जो अवे फ्रॉम द जॉइंट जा रहा है, तो ये जॉइंट है, जॉइंट के अवे। सिमिलरली ये भी सी है, सी के अवे जा रहा है, तो कैसे बनेगा वो टेंशन, वैल्यू कितनी है उसकी, पी बाय टू, समझ में आया। मेंबर को हमने फोर्सेस कैसे हमने शो किया। सिमिलरली बी से डी मेंबर पे आप देखोगे तो आपके पास जो फोर्स है वो कैसी है, आपके पास जीरो, तो बी डी मेंबर को हम बोलते हैं दिस इज जीरो मेंबर फोर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मेंबर फोर्स। तो जीरो मेंबर फोर्स क्या हुआ है आपके पास, बी डी है, तो उसको कैसे शो करते हैं हम, एक नॉड से शो करते हैं, वो क्या बताता है कि उस मेंबर पे जो फोर्स है, उस मेंबर की फोर्स कितनी है आपके पास, जीरो, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मेंबर फोर्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडी के लिए, तो एडी में आपके पास जो नेचर है वो कैसा है, आपके पास कंप्रेशन है, जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपके पास, पी बाय रूट टू, नेगेटिव क्या शो कर रहा है, कंप्रेशन शो कर रहा है, और कंप्रेशन में जो आपके पास जो फोर्स होती है वो क्या होती है, टूवर्ड्स द जॉइंट जाती है, तो ये जॉइंट है, ये जॉइंट के टूवर्ड्स गया, मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास, पी बाय रूट टू, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा मेंबर, सी से डी मेंबर है, तो सी से डी मेंबर भी कंप्रेशन है, कंप्रेशन में कितना लगा, ये माइनस पी बाय रूट टू, माइनस क्या शो कर रहा है कि फोर्स क्या आपके पास, कंप्रेशन है, कंप्रेशन में भी ये कैसा जाएगा, ये टूवर्ड्स द जॉइंट, हम एरो बनाएंगे, मैग्नीट्यूड कितना, पी बाय रूट टू का मैग्नीट्यूड आ गया, समझ में आया। तो आपको कैसे करना है, कभी भी क्वेश्चन आए ट्रस का, ठीक है, अगर आपके यूनिवर्सिटी या कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी मैं तो बता रहा हूँ पूरा, है ना, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत एक ही स्टेप में बन जाता है, एप्टीट्यूड वगैरह में गेट वेट के क्वेश्चन तो एक दो स्टेप में आपसे बन जाएंगे, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप उसको मूव करना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे एक एक जॉइंट को आप पकड़ के हर एक मेंबर की आप फोर्सेस निकालोगे, ठीक है, जितने मेंबर है उतने मेंबर की फोर्सेस निकालोगे, फिर लास्ट में क्या करना, आप एक टेबल बनाओगे, टेबल में सबसे पहले क्या रहेंगे, मेंबर्स, सारे मेंबर्स लिख लेना जितने मेंबर्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद वो मेंबर्स के अंदर फोर्सेस कितनी है, फिर आप बताओगे कि वो जो नेचर जो है फोर्स का वो टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, ठीक है। उसके बाद आप एक और डायग्राम बना देना, ठीक है, बड़े सुंदर सा अच्छा सा, और वो डायग्राम पे आप उसका प्रॉपर साइन के साथ आप क्या करोगे, वो मैग्नीट्यूड को आप शो करोगे कि हर एक मेंबर पे कितनी कितनी आपके पास फोर्सेस आ रही है, ठीक है। तो ये ट्रस का बहुत ही बेसिक पार्ट था, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं ट्रस को तीन स्टाइल में डील करूंगा, सबसे पहले बेसिक, फिर डिटर्मिनेट, फिर इनडिटर्मिनेट, ठीक है। तो बेसिक वाला जो पार्ट था वो मैंने आज इस पूरे लेक्चर में मैंने डील किया, नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है किसी को मज़ा नहीं आया हो क्योंकि वो ये सब चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ होगी ना जो मैंने आज पढ़ाया, लेकिन ये उनके लिए था जो ट्रस्ट के बारे में
बिल्कुल आइडिया नहीं रखते हैं, ठीक है। तो हमें उनका फाउंडेशन तो पहले ठीक करना है, तो इसी कारण मैंने क्या किया कि एक बहुत ही बेसिक सा आपको स्टार्ट कराया कि आपको कैसे देखना है ट्रस्ट को। इसके बाद से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, मूव अब बढ़ाते जाएंगे, तो आपको थोड़ा मज़ा भी आपको आता जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको आता हो चाहे ना आता हो, आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो आप इसके नोट्स आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ, हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। ओके, ऑल द बेस्ट।